Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Welcome back to yet another vlog. आप पहले की क्लिप्स देख चुके हैं. This is definitely not the time that I woke up. अभी 8:30 बज रहे हैं. मैं 6:30 उठ गई थी because मेरी मम्मी घर पे नहीं है and ये सारा काम वाम मुझे करना है, तो इसीलिए I have to wake up on time. And yes, that is also one of the reasons that I decided to vlog, because मम्मी घर पे नहीं है and there is a lot to do. So I decided why not to share a day in life without mom. So yeah, that is what the vlog is gonna be about, me struggling to do the house chores and simultaneously balancing my own work. So yeah, I hope it will be fun. तो सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाया. आई मेड सैंडविच एंड मैंने पापा भाई का लंच पैक करके दिया है. अभी दोनों चले गए हैं, पापा ऑफिस और भाई कॉलेज. नाउ आई एम ऑल बाय माई सेल्फ. अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले काम करना है वो है पूजा करनी है. बट मुझे बहुत नींद आ रही है, तो लाइक आई एम इन अ डिलेमा. मैं सोच रही हूँ पहले पूजा करूँ फिर सो जाऊँ, या पहले सो जाती हूँ फिर पूजा करती हूँ. सो आई विल फिगर दैट आउट एंड या लेट्स स्टार्ट द डे. सो एज द टीका ऑन माई फोरहेड इज क्वाइट प्रोमिनेंटली स्क्रीमिंग दैट आई हैव डन द पूजा. सो लास्ट क्लिप के बाद आई वॉज डिसाइडिंग वेदर आई शुड टेक अ नैप फर्स्ट और स्टार्ट विद द वर्क फर्स्ट. एंड वो डिसाइड करते करते मैं एक घंटा सो गई और मुझे पता ही नहीं चला. आई एम सो स्लीपी दीज डेज, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है. माई बॉडी इज सो कन्फ्यूज. सुबह सुबह उठ जाती हूँ 6:30. अभी मेरे को आदत है 9:00 उठने की, तो आई वेक अप एट 8:30 or 9 एंड देन आई फ्रेशन अप, आई टेक अ बाथ और उसके बाद माई डे स्टार्ट. बट अभी मैं 6:30 उठ जा रही हूँ, तो माई बॉडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज हैपनिंग. मैं सुबह उठती हूँ, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड मैं पहले वॉशरूम जाऊँ, काम करूँ, कैसे करूँ. एंड माई बॉडी इज सो कन्फ्यूज. पूरे दिन नींद आती रहती है, कभी भूख लग रही है कभी भूख नहीं लग रही. इतना ज्यादा कन्फ्यूजन हो गया बॉडी को कि भाई ये लड़की कर क्या रही है, 9:00 उठने वाली सुबह 6:00 उठ जा रही है, वॉट टू डू. सो इट इज़ वेरी हार्ड ऑन द बॉडी एज वेल. बट हाँ, अभी मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पूजा कर लिया है एंड आई वॉज जस्ट मेकिंग ब्रेकफास्ट वेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस एंड आई थॉट देयर इज मीटिंग दैट आई स्किप्ड. बट थैंक गॉड दैट वॉज नॉट द केस. एक्चुअली फॉर द फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक मेरी ऑफिस टाइमिंग्स दिन में 1:00 से स्टार्ट होती है, सो आई गेट दैट मच ऑफ टाइम टू डू द अदर वर्क. ओके, सो फाइनली द ब्रेकफास्ट इज रेडी. आई एम हैविंग ग्रिल सैंडविच टूडे. अभी एक हफ्ता मैं डाइट तो नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज नॉट लाइक मैं जंक फूड खाने वाली हूँ एंड आई जस्ट स्क्रू अप माई डाइट. नो, नॉट लाइक दैट. I'll still eat healthy, but like I'm not sticking to the proper diet that I follow, because मैं diet पे 2 times chicken खाती हूँ and because अभी मुझे 3 times पूजा करनी है, तो मैं chicken खा के तो obviously मंदिर में नहीं जाऊँगी. And chicken का alternative like I eat paneer sometimes and I hate paneer. पता नहीं क्या हो गया है, मैं पनीर से तो उब चुकी हूँ. आई जस्ट कैन नॉट ईट पनीर एनी मोर. तो जब तक मैं चिकन नहीं खा पा रही हूँ, आई नॉट फॉलो माई प्रॉपर डाइट एंड आई जस्ट हैव द नॉर्मल स्टफ दैट आई एम मेकिंग. ऑब्वियसली हेल्दी है, बट लाइक नॉट बहुत हेल्दी है, नॉट अनहेल्दी. मतलब आई हैव कार्ब्स बेसिकली. तो कोई बात नहीं, इतना एक हफ्ता चलता है. आई एम स्टिल गोइंग टू द जिम. आई विल बर्न आउट वट एवर आई एम ईटिंग, बट या आई कैन नॉट स्टिक टू द प्रॉपर डाइट until mummy comes back and she takes over the mandir. So yeah, that's that. And while I have my breakfast, I tend to watch a series. And aajkal meri jo series chal rahi hai, that is Lucifer. काफी टाइम से बहुत लोगों ने मुझे बोला और मेरा भाई तो मेरे पीछे ही पड़ गया था कि लूसिफर देख ले देख ले देख ले. बट आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट वाचिंग द सीरीज. मुझे ऐसा लगा था कि इट इज नॉट समथिंग आई वुड लाइक, बट God, I am in love with the series. I mean, wow, what a series. अगर आपने नहीं देखी है लूसिफर तो प्लीज देखो. मुझे कॉमेंट्स में बताना किस किस ने लूसिफर देख ली है, और जिसने नहीं देखी है वो प्लीज जाके लूसिफर देखो. इट इज अ वेरी वेरी गुड सीरीज. वॉट अ स्टोरी लाइन. आई एम जस्ट लविंग इट. आई एम लिटरली बिंज वॉचिंग द सीरीज. जब से मैंने लूसिफर स्टार्ट किया है आई हैव बीन फीलिंग सो अनप्रोडक्टिव. मेरा कुछ और करने का ही नहीं मन कर रहा है, बस मन करता है पूरे दिन मैं लूसिफर देखते रहूं. एंड इन जस्ट 4 days आई कंप्लीटेड 3 seasons एंड लाइक आई एम अडिक्टेड टू दिस सीरीज. एंड करेंटली आई एम ऑन द season 4 episode 8 एंड आई एम लविंग द सीरीज. तो मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ और एक एपिसोड भी कंप्लीट कर लेती हूँ. And then I'll start with the housework and I have a lot to do
today, not gonna lie, and I am pretty off schedule. मैंने सोचा था 11 बजे तक सब कुछ कर लूंगी and then I'll start working, but मुझे लग नहीं रहा ऐसा होने वाला है. Breakfast complete हो गया है और अब मुझे इतनी नींद आ रही है कि मेरा कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है. अगर अभी मम्मी घर पे होती तो मैं अभी सो गई होती. Not that I'm missing you. मुझे पता है मम्मी ये वीडियो देखेगी तो वो मुझे फोन करके बोलेगी अब पता चली माँ की अहमियत. तो ऐसा कुछ नहीं है, आई एम स्टिल डूइंग द वर्क, बट हाँ नींद आने लग गई है मुझे बहुत ज्यादा. तो अब बाल बांध लिए जाए और अब शुरू करते हैं सफाई, किचन से स्टार्ट करते हैं. Many hours later. Okay, so finally I'm finished with the housework. पोछा लग गया, किचन साफ हो गया, कपड़े धुल गए हैं. तो अभी मैं थोड़ा सा मेकअप करूंगी बिकॉज मुझे एक ब्रांड के लिए एक फोटो क्लिक करनी है. तो आई जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप. तो मेकअप करने से पहले ऑब्वियसली आई हैव टू प्रेप माई स्किन. तो सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ एंड आई शो इट टू यू ऑल. आजकल मैं अपने स्किन केयर के लिए सुगंधा के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ. पार्डन मी अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी इको कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं वॉशरूम में हूँ और थोड़ा सा शायद से आवाज इको हो रही है, बट डोंट माइंड. तो मैं सबसे पहले ये फेस वॉश यूज करूंगी. ये है सुगंधा का सेंटेला ग्रीन टी फेस वॉश और ये फेस वॉश ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है. दिस कंटेन्स पैंथेनॉल, सेंटेला ग्रीन टी एंड ग्लिसरीन. तो ग्रीन टी काफी अच्छा इंग्रेडिएंट होता है अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है. और मैं ये क्लेंजर काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड ये एज ए ट्रांसपेरेंट जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी. एंड आई हैव बीन रियली लाइकिंग दिस फेस वॉश लेटली बिकॉज ये मेरी स्किन को इरिटेट नहीं करता. इट इज वेरी जेंटल ऑन माई स्किन एंड एट द सेम टाइम इट क्लेंज द फेस वेरी प्रॉपरली. एंड प्लस ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है तो मेरी स्किन के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है. प्लस इट हैज ग्रीन टी तो दैट जस्ट एड्स टू ऑल ऑफ दैट. तो मुझे फेस वॉश काफी पसंद है. तो आई जस्ट वॉश माई फेस यूजिंग दिस. सो माई फेस इज ऑल क्लीन अप एंड इट डज नॉट फील ग्रीसी वैक्सी वॉट एवर. इट फील्स वेरी क्लीन एंड रिफ्रेश्ड. आई रियली लाइक दिस फेस वॉश. You can check this out. Then I'm using this niacinamide serum from Sugandha again. This is 5% niacinamide serum. This contains 5% niacinamide, centella, panthenol and hyaluronic acid. And this can be used for all skin types. Now niacinamide is the perfect ingredient, the best ingredient if you have acne marks. It helps to fade away the acne marks if used regularly. And this particular serum also contains hyaluronic acid, so my skin does not feel dry whatsoever. And it is properly moisturized and hydrated as well. So hyaluronic acid will hold the moisture in my skin. Again, I really like this niacinamide serum. It has been working very good for my acne marks. You can see they are fading with time. I am really liking this serum. So after the serum, I'll top it off with this moisturizer. This is the oil-free moisturizer, White Lotus Moisturizer from Sugandha. This contains White Lotus extracts, 3% niacinamide, hyaluronic and panthenol. And this is the consistency of this moisturizer. It is very light and gel like and it will absorb into your skin beautifully. And plus due to the niacinamide and hyaluronic acid, it will help your skin to recover from the acne marks very soon. And plus the hyaluronic acid will just make your skin looking very plump, juicy and very healthy. So I really like this combo. I use it regularly. These are my go-to skincare products these days. I am absolutely loving them. So if you are an oily, acne-prone skin type, you have to check out this moisturizer. It is amazing. It feels so beautiful on your skin. After my Pond's moisturizer, this is the moisturizer that I have started loving a lot. And this face wash is also really good. And this serum is not only for acne-prone skin. Even if you are dry, normal combination, for all skin types you can use this serum. So you can check these products out. They are really good. I'll mention the links in the description box below. And also I have a discount code with Sugandha. This is my discount code. I'm also mentioning it in the description box below.
So if you shop on their website, use this coupon code and you will get an additional discount on your order. So yeah, happy shopping. Now that my skin is all prepped and ready for the makeup, I'll quickly do my makeup. Okay, so the makeup is finally complete and it looks very, very pretty and fresh. I did this under 5 minutes and it turned out very good for that. And I have not used any foundation as such. So, aap mujhe batana agar aapko ye routine chahiye hoga, to main ek shots bana ke share kar dungi. Let me know aapko mera makeup kaisa laga. Ab hum jaate hain apna brand shoot kar lete hain. So the setup for the shoot is ready. I have my ring light here. I have my camera on this tripod and I'm gonna shoot probably in this location. A few moments later. Okay, so it has been a while working and I'm gonna take a little bit of break from that work for this work because I have a video to edit that has to be uploaded today on my YouTube channel and a few shots also that I have to edit. But those shots do not have to go live today, so maybe I'll do it at night. But because this YouTube video has to go live now, today at 6 PM, so I'll probably start working on that right now, varna late ho jayegi. I have not been very, very, you know, consistent with my uploads. This month, April mein. Because I don't know why, but I have been feeling very, very unproductive. मेरे को नहीं मन कर रहा है काम करने का. Not only for YouTube, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है. I don't feel like talking. I don't feel like eating. I don't feel like doing anything. I just feel like sleeping, and not even sleeping, just like laying down and doing nothing. Like I have a lot of content planned in my head. बट वो एग्जीक्यूट करने का हो नहीं रहा है क्योंकि मैं मोस्टली वीकेंड्स पे ही शूट करती हूँ और आजकल मेरा मन नहीं कर रहा है तो वो मन बनाते बनाते वीकेंड ही निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, आर यू फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव, या फिर आपका भी यही हाल है या ये सिर्फ मेरा ही हाल है. मेनी आवर्स लेटर. गुड मॉर्निंग अगेन. काम करते करते आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट स्लीपी, तो मैंने सोचा आई जस्ट टेक अ 10-15 मिनट्स नैप एंड देन आई रिज्यूम वर्क. वो 10-15 मिनट्स की नैप 2 घंटे की नींद में बदल गई. आई वॉज एडिटिंग द वीडियो एंड दैट इज व्हेन आई रिसीव्ड अ पार्सल एंड गेस व्हाट, वी हैव आवर वेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन विद शुगर. मीन दैट्स सो अमेजिंग. आई एम लिटरली इन टू टीयर्स राइट नाउ. I just cannot tell you what this means to me. When I started this journey, initially it was just a hobby that I was pursuing. Like I am a software engineer and I work 9 to 5, but I wanted to do something for myself, something that would make me happy. So this channel was a happy corner for me. I used to make videos and I used to really, really enjoy the process. And then I started getting collaborations, but mainly for skincare and haircare. Not for makeup that much. But then I was approached by Sugar for a collaboration and I was like, it felt surreal. It felt like a dream. I just cannot, like, I am not just able to put it into words what getting a collab with Sugar means to me. It might be a very, very small thing for some of you, but it is a very big thing for me. Like, it is like achieving a milestone in this journey, because Sugar has been a brand that I have loved ever since I started my journey. I'm just on another level today and I need to thank you guys. Thank you so, so, so much for supporting me in this journey. And this means the world to me. I would not have been where I am in this journey if it was not for you guys. So thank you so, so, so much for supporting me this far. And please keep showering your love and support the same way in the journey ahead as well. I really, really want to keep continuing this for as long as possible.
ओके सो दिस इज द नेक्स्ट डे मी. मैं कल आउट्रो नहीं शूट कर पाई थी बिकॉज द लास्ट क्लिप यू सॉ वाज मी आयनिंग द क्लोथ्स एंड अटेंडिंग अ मीटिंग. तो मेरी ऑफिस की कुछ कॉल्स अबाउट 10:30 तक चली थी एंड आफ्टर दैट माय ब्रदर केम बैक होम. तो मैंने उसके लिए डिनर बनाया एंड देन आई हैड टू वॉश द डिशेस. तो वो करते करते मुझे 12 बज गए थे. मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कितना ज्यादा टाइम लग गया था बिकॉज बहुत ज्यादा बर्तन हो रखे थे एंड देन मेरे शोल्डर में पेन हो रहा था. तो मैं एक गो में नहीं कर पाई. तो आई वॉज डूइंग इट इन इंस्टॉलमेंट्स. मैं थोड़े से कर रही थी, आके 2 मिनट लेट रही थी, फिर जाके बर्तन धो रही थी. तो वो करते करते मेरे को 12 बज गए. देन आई थॉट टू शूट द आउट्रो. वैसे तो प्लान था कि मैं रोज रात में सोने से पहले थोड़ी देर सीरीज देखती हूँ, बट कल तो ऐसी हालत थी कि आई वॉज नॉट इवन एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. मतलब मैं बस आई जस्ट वेंट ऑन माई बेड और मुझे कब नींद आई है मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैं इतना ज्यादा थक गई थी एंड माई शोल्डर माई एंटायर बैक वॉज पेनिंग सो बैडली. इवन नाउ माई बैक इज रियली रियली पेनिंग. मुझे बहुत दर्द हो रहा था कल. मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और उसके बाद मतलब मैं अराउंड 1 बजे के अराउंड में कल सोई हूँ एंड देन अगेन मैं अभी सुबह 6:30 बजे उठ गई थी. तो मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है एंड आई एम सो टायर्ड एंड माई बॉडी इज फीलिंग सो एग्जॉस्टेड. अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं एंड मेरे ये हाल है एंड आई डोंट नो मेरी मम्मी कब वापस आने वाली है बिकॉज शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन देयर एंड शी इज लाइक हो सकता है मैं 1 महीने बाद भी आऊँ. तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इट्स जस्ट दैट आई हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर. तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है. सबसे बड़ा ये है कि आई एम नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. सो या दैट्स दैट एंड यू सो हाउ माई डे वेंट विदाउट माई मॉम एंड आई थिंक नाउ दैट आई एम शूटिंग द आउट्रो आई रियलाइज दैट मैंने ये बताया ही नहीं कि वेयर माई मॉम इज. सो एक्चुअली माई मॉम हैज गॉन टू आर होम टाउन टू अटेंड अ वेडिंग एंड आफ्टर द वेडिंग शी प्लान टू विजिट हर मॉम एंड तो वही उसी में अभी शायद से 1 वीक वो वहीं रहेंगी एंड मे बी शी एक्सटेंड्स द प्लान इज वेल. So let's see what happens. And to be honest, I'm really, really enjoying this because मैं अकेले हूँ घर पे. But अभी ऐसा लग रहा है कि I am the owner of this house, I am the queen of this house, and I am really, really enjoying it. Yes, काम भी करना पड़ रहा है and honestly, I do not mind it. मुझे तो अच्छा लग रहा है. I am enjoying the entire process. बस मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है. बस एक यही शिकायत है. तो yes, I will end this vlog right here itself क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है. So I'll just go do that and I hope you enjoyed this vlog and let me know in the comment box below if you want to see more vlogs or some other kinds of videos that you want me to do. I'll surely make them. So yeah, like this video, comment on this video, share this video with your friends and families and please subscribe to my channel if you haven't already. I shoot a lot of vlogs, makeup and beauty related content, skincare content and a lot more and you can also check me out on my Instagram. I am very, very consistent there as well. Let us hit that 1K mark super, super soon. Please subscribe. And yeah, now I will see you super, super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye, bye.